मॉर्निंग। तो आज हमारा है गोवा में डे 3। आज हम लोग जा रहे हैं स्वीट लेक। कल हम लोग गए थे साउथ गोवा। स्वीट लेक यहाँ से 23 किलोमीटर है, अराउंड 45 मिनट्स का रास्ता है। तो चलो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर लेते, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नी। चलो और ये ऐसे बटन दबाएगा तो बंद हो जाता है। ब्रेकफास्ट हो गया हम लोग का। तो अभी चलो मैं आपको बता देता हूँ स्वीट लेक कैसे जाना है। तो अभी मैं हूँ कैलंगुना बीच। यहाँ से एक 46 मिनट लगता है स्वीट लेक के लिए। तो चलो मैं आपको नेविगेशन के थ्रू बता देता हूँ पूरा डिटेल्स। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, फाइनल डेस्टिनेशन तक कार और बाइक नहीं जाती है। आपको ये रुकमणी क्लोथ शॉप है, वहाँ पे आपको बाइक या कार पार्क करना पड़ेगा। वहाँ से एक स्मॉल ट्रैक है, तो वो ट्रैक करने के बाद ही आप पहुँच सकते हैं स्वीट लेक। तो चलो लेट्स राइड। तो लेट्स राइड, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल के बेल आइकन को क्लिक करो जिससे नई अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। तो चलो अपनी जर्नी की शुरुआत हो गई है। तो फाइनली हम लोग आ गए आरामबोल विलेज में। यहाँ पे आपको ज़्यादा फॉरेनर और रशियन लोग ज़्यादा दिखेंगे, उनके खुद के यहाँ पे शॉप भी है। और यहाँ से आरामबोल बीच और रशियन बीच पास में ही है, नियर बाय। तो यहाँ से आरामबोल बीच से ही आपको जाना पड़ेगा स्वीट लेक के लिए। तो चलो तो यहाँ पे अदर बीच से कंपेयर करेंगे तो बाघा और कैलंगुना बीच से ज़्यादा 60% फॉरेनर और रशियन पीपल यहाँ पे स्टे करते हैं आरामबोल बीच के। यहाँ पे नियर बाय शॉप्स, होटल्स सब नियर बाय ही है और बीच क्लीन और लेस क्राउडेड है, इसके लिए यहाँ पे रशियन पीपल बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैंने बताया था फाइनल डेस्टिनेशन तक बाइक और कार नहीं जाती है। तो हम लोग ने क्लोथ शॉप के वहाँ पे बाइक पार्क कर दिए। तो बस अभी चालू हो गया अपना पैदल जर्नी स्वीट लेक के लिए। भाई ये तो पूरा अपने को फैसिलिटेट लग रहा है, फेस लग रहा है। यहाँ से स्वीट लेक इस पे 5 मिनट के डिस्टेंस पे। तो ये सब रॉक चढ़ के अपने को पार करना है, फिर वहाँ से बीच से होके अपने को स्वीट लेक जाना है।
फाइनली हम लोग आ गए स्वीट लेक। तो ये एक मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील तक पहुंचने के लिए आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी और झील के पानी में तैरने का आनंद भी आप ले सकते हैं। तो चलो हम लोग जा रहे हैं अभी स्वीट लेक में। तो यहाँ पे नियर बाय होटल भी है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसमें आप स्विमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बेड दिए हुए रेस्ट के लिए, उसके चार्जेस है अराउंड 200 रुपीस बेड है, तो उसमें आपको दो बेड देते हैं, 2 आवर्स के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं उसमें। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं स्विमिंग के लिए। यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन तक टैग लगाए हुए है, वहाँ तक ही आप स्विमिंग कर सकते हैं, उसके आगे आपको अलाउड नहीं है। टाइड वीड झालं असेल ना, तो चलो अभी हमें निकलना है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट।